ये जो बात है वो करीब अप्रैल 2013 की है। मेरे एक क्लाइंट है दिल्ली में, और उनके बेटे जमशेदपुर से दिल्ली ट्रांसफर हुए, और उन्होंने बोला, मतलब ट्रांसफर किया बेसिकली, जमशेदपुर नौकरी छोड़ करके दिल्ली में कोई उन्होंने नौकरी ज्वाइन की, और उन्होंने कहा कि अब मेरा बेटा यहाँ पे ज्वाइन करा है दिल्ली में, आप एक बार जाके उनसे मिल लो और उनका देखो कि क्या उनके बारे में आप उनका क्या बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने उनसे फोन करके बात करी तो उन्होंने कहा ठीक है आप घर पे आ जाइए। मैं घर पे गया तो उन्होंने पूछा कि आप क्या क्या करते हैं, तो मैंने कहा जी मैं तो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस की का एडवाइजर हूँ, बाकी जनरल इंश्योरेंस, मैं इंश्योरेंस में सब कुछ करता हूँ। तो उसने कहा और कोई इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास नहीं है क्या? तो मैंने कहा नहीं नहीं और तो सर नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स, मैं तो सिर्फ मतलब फाइनेंशियल, मैं तो मैं सिर्फ अकाउंट ये LIC में ही डील करता हूँ। तो कहने लगे नहीं, LIC तो मेरे पास बहुत सारी है, तो मैं इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो वहां पे हमें हमेशा इस बात का जवाब देना सिखाया गया था कि जब भी कोई आदमी आपसे से कहे कि भाई आपके पास मेरे पास बहुत सारी LIC हैं, तो उससे जरूर पूछो कि भाई कितने, 5 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड है, 10 करोड़ का सम एश्योर्ड है, 50 करोड़ का सम एश्योर्ड है, ये पूछ लो जरा क्लाइंट से। तो मैंने भी उनसे बड़े पोलाइट वे से पूछा, मैंने कहा सर आपने LIC तो बहुत सारी बताई है, तो अपने 5-7-10 करोड़ का तो सम एश्योर्ड होगा ही ना? करे अरे अरे अतुल जी कैसी बातें कर रहे हो, कैसे कहाँ से 5-7-10 करोड़ यार? तो मैंने कहा सर आपने कहा ना बहुत सारी LIC है, तो कह रहे हाँ मेरे पास 38 LIC है। तो मैंने कहा अच्छा, मैं कहा सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? हाँ जी बोलो। मैं सर आप मुझे 38 के 38 नंबर शेयर करिए, मैं आपका ना एक बारी पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ। जब मैंने उनकी 38 पॉलिसी का जो पूरा सम एश्योर्ड चेक किया तो वो 70 लाख के आसपास का सम एश्योर्ड बना था, और जब मैं उनसे मिला उनकी 60 लाख के आसपास की सैलरी थी। जब मैं उनसे मिलने गया मैंने उनसे बोला कि मैं कहा सर ये तो 70 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है और 60 लाख की सैलरी, एक साल का भी मतलब फंड्स अरेंजमेंट नहीं है फैमिली के पास, तो यदि कल को समथिंग गोज रॉन्ग टुमारो तो, और आप कह रहे हो बहुत सारा है मेरे पास, तो कह रहे आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो मैं कह सर कोई बात नहीं, मैं इस पे वर्किंग करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ, मिलता हूँ आपसे। मैंने उनकी सारे पोर्टफोलियो के हिसाब से उनका गैप ईयर्स बनाया कि कौन कौन से, तो वो मैंने उनको बता दिया। मैं कह सर इसी साल में आपको इतने इतने पैसे मिलने हैं और आपका ये सम एश्योर्ड है। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं कह सर आप मुझे बताइए कि आपको पैसे एक्चुअल में आपका आपका कोई अपने फ्यूचर गोल्स हैं तो बताइए, क्योंकि मैं आपको यदि अपने फ्यूचर गोल करके मुझे बताएंगे तो मैं हो सकता है आपको कनेक्ट कर सकूं अपनी प्लान्स के साथ में, बजाय इसके कि मैं आपको बोलूं कि ये ले लो वो ले लो, कोई फायदा नहीं है आप मुझे अपने। तो उनकी 2 बेटी थी, उन्होंने बताया कि भाई मेरी 2 बेटीज हैं, एक बेटी की एजुकेशन के टाइम पे इतना पैसा चाहिएगा, दूसरी बेटी की में बड़ी बेटी में और छोटी बेटी में 10 साल का डिफरेंस था, तो छोटी बेटी के में ये इस टाइम पे उसकी एजुकेशन होगी तो उसको इतना पैसा चाहिए, उसकी मैरिज में इतना चाहिए, उसके बाद एक मुझे बड़ा मकान लेना है उसके लिए इतना। उन्होंने अपने अपने ईयर्स बता दिए, इस ईयर में मुझे अप्रोक्सीमेटली इतना इतना पैसा चाहिएगा। तो उसके बेसिस पे जब मैंने उनकी प्लानिंग बनाई तो मेरे मेरे ख्याल से 12-13 लाख में साल का मुझे एक प्रीमियम निकला, जो उनकी उस को हम जस्टिफाई कर पाते जो जो थोड़ा थोड़ा उन्होंने बोला था कि भाई ऐसे ऐसे करने के लिए। तो कहने लगे ठीक है, फिर उनकी ना मेल पे मेरे पास ना क्वेरीज आती रही, बार बार वो मेरे को मेल करते थे, तो मैं भी उनको जब भी मेरे पास मंडे, नॉर्मली मेरे पास मंडे को मेल आती थी और मैं उसको सैटरडे संडे में रिप्लाई करता था, क्योंकि मैं अपने पास जितने भी जो क्रूशियल काम है मैं हमेशा वीकेंड पे करता हूँ, क्योंकि फिर बिल्कुल उस टाइम पे माइंड फ्री होकर के मैं उन्हीं मेल्स का रिप्लाई करता हूँ जिनको जिनपे मुझे मतलब अपना पूरा दिमाग लगाना होता है। तो ऐसे करते रहे, ऐसे करते करते 3-4 महीने हमारे निकल गए, और 4 महीने के बाद फाइनली उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि अब ऐसा करो अब ऑफिस में आ जाओ, हम अपना अब फाइनल करने का टाइम आ गया, जो जो आपसे डिस्कशन करना था वो सब कुछ हो चुका। तो मैं जो उनके पास ऑफिस पहुंचा तो बहुत बड़ा मतलब ही इज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, तो बहुत बड़ा केबिन था प्राइवेट कंपनी के अंदर, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो बहुत बड़ी कंपनी के अंदर वो बड़े केबिन बैठे थे, और उन्होंने मुझे बुलाया और हमारा डिस्कशन हुआ, चाय आई, बिस्किट्स आए, और मैं चाय पी रहा था। तो पीते पीते कहने लगे चलो ऐसा है अतुल जी आप, मैंने सब कुछ समझ लिया आपका जो भी था, अब आप 1 लाख रुपए की पॉलिसी बना दो। तो मैंने कहा सर क्या क्या बोल रहे हैं आप, ये 1 लाख रुपए की पॉलिसी बना दो, 1 लाख रुपए प्रीमियम की कोई पॉलिसी बना दो। तो मैंने कहा सर हम ये 4-5 महीने से क्या कर रहे थे, जो हमने इतनी डिस्कशन करी, गैप ईयर्स बनाए और आपने अपने अपने फ्यूचर का बताया कि मुझे इसी साल में ये चाहिए, फिर हम ये कर क्यों रहे थे? यदि आपने 1 लाख लेना तो पहले दिन, 6 महीने पहले मैं आपके पास आया था उसी दिन बोलते 1 लाख की पॉलिसी तो मैं आपको जब भी दे जाता, या कोई भी एजेंट दे जाता जो भी आपके मिलता, उसमें आपकी हमारी जरूरत ही नहीं थी, आपको हमारे साथ ही थी सब डिस्कशन करने की। तो कह रहे नहीं नहीं अतुल जी ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास जो पुराना एजेंट था ना, मैं बात पहले मैं उससे भी ऐसी डिस्कशन काफी सारी करता था, लेकिन उनको बोलता था 50,000 रुपये में पॉलिसी बना दो तो वो बना देते थे। मैं सर मैं नहीं बना पाऊंगा, सॉरी मैं आपकी 50,000 की पॉलिसी या 1 लाख की पॉलिसी नहीं बना पाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि आप जो भी
करना चाहें आप आराम से करिएगा। मैंने कहा ये 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए ना तो आपके बेनिफिट की चीज है ना मेरे बेनिफिट की चीज है, आप इसको, मैं मतलब चाय पी कर, मैंने ऐसे ही उनसे बात करते करते अपना लैपटॉप ऑफ करा चाय पी करके, और उनसे बोला मैं शैल आई टेक ऑफ नाउ, तो कह रहे यार वो फॉर्म वॉर्म तो तुमने साइन ही नहीं कराए। तो मैं कहा सर मुझे साइन ही नहीं कराने फॉर्म, तो कह रहे ये क्या मतलब है। तो मैंने कहा ना 1 लाख रुपए का प्रीमियम देना, मैं सर मुझे 1 लाख का प्रीमियम नहीं देना। तो फिर कह रहे बैठो, मैं बैठ गया जी। कह लगे कितना लेना है, मैं कहा सर 12 लाख का बनता है, आप 6 लाख दे दो। तो कहने लगे यार नहीं इतना तो नहीं दूंगा मैं, इतना तो अभी एकदम अभी तो आपसे जुड़ना है मुझे, तो जुड़ने के बाद एकदम तुम 6 लाख रुपए मांगोगे, मैं नहीं दूंगा 6 लाख रुपए। तो मैंने कहा जी क्या फिर मतलब ऐसे तो फिर आप जो हमने बातें करी है वो फिर इनरेलीवेंट लग रही है ना सर, मुझे भी तो इनरेलीवेंट लग रही है वो बातें, फिर हमने बात क्यों करी इतनी सारी। तो कहने लगे चलो ऐसा करते हैं आप ना ऐसा करो, अब 2.5 लाख से शुरू, आप 2.5 लाख रुपए प्रीमियम ले लो, अभी 2.5 लाख से शुरू करते हैं, फिर आपके हिसाब से चलेंगे कोई बात नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, आपको आपको नाराज नहीं होने देंगे। मैं कहा सर मैं कभी नाराज नहीं होता किसी से, मुझे लगा कि हमने इतनी सारी चीजें एक्सरसाइज करी है तो उसको उसका वो जस्टिफिकेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हम क्योंकि जिस आप सैलरी पे बैठे हैं, मैं उस आप उस सैलरी के साथ हमें आपके रिस्क को भी जस्टिफाई करना है बेसिकली समथिंग, बिकॉज यू आर द ओनली अर्निंग पर्सन फॉर द फैमिली और थ्री पीपल आर डिपेंडेंट ऑन यू। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत आपका इसके साथ में उतना इंश्योरेंस भी होना चाहिए जिससे कि समथिंग गोज रॉन्ग टू यू तो फैमिली शुड नॉट सफर फॉर फाइनेंसिस। कह रहे नहीं नहीं ठीक है समझ आया। उन्होंने 2.5 लाख रुपए के प्रीमियम से मेरी 2000 अगस्त में मैंने वो पॉलिसी उनके साथ लॉक करी अगस्त 2013 में, और आज जो हम लोग बहुत अच्छे टर्म्स पे हैं। और आप समझिए कि उसके बाद अब आज हमारी कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं होती, अब वो हमारे पास जूम कॉल में पहले से बात करते हैं और वो प्रीमियम फाइनल करते हैं और मेरा एग्जीक्यूटिव उनसे पेपर साइन करा लेते हैं और सारे पेपर वेपर और मेडिकल कराने के लिए वो कहते हैं आपको अतुल जी आने की जरूरत नहीं है, आप मुझे टेस्ट सेंटर का एड्रेस दे दीजिए, मैं खुद जाके करा लूंगा टेस्ट सेंटर जाके। और वो अब मेरे ख्याल से 14-15 लाख मुझे वो दे रहे हैं अभी एट प्रेजेंट, वो 14-15 लाख का प्रीमियम 6-7 सालों में उन्होंने मेरे पास उतना पोर्टफोलियो उतना बना लिया मेरे साथ। तो मैं फिर जब उठने लगा फिर जाने लगा सब पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करके, तो पूछने लगे कि अतुल जी आपको पता है मैं यहाँ पे जो जिस सीट पे बैठा हूँ मेरे पास कितने लोग आते हैं। मैं कहा सर ये तो मुझे मालूम है कि आप भाई बहुत बड़े आदमी है तो नेचुरली आपका, क्योंकि मेरे पास लाइन लगा के लोग आते हैं और इतने लोग आते हैं, इतने कन्विंस करते हैं, इतनी बातें अच्छी करते हैं, लेकिन मैं आपसे पता है पॉलिसी क्यों ले रहा हूँ। मैंने कहा जी सर मुझे तो नहीं समझ आया कि क्यों ले रहे हैं आप। तो कह रहे मैं आपकी ना ऑनेस्टी देख रहा था, आपकी डेडिकेशन देख रहा था, आपने मेरी कोई भी पिछले 6 महीनों में आपकी आपने जब से मेरे से हमारी आपस की डिस्कशन शुरू हुई आपने यू हैव नॉट इवन सिंगल मेल आपने मेरे आंसर नहीं छोड़ी, और मैं आपके से जब भी बात करता था आपकी बातों में कभी भी ना ऐसा एग्जर्शन नहीं आया कि यार सर आप डिस्कशन ही करते रहोगे, कभी सेल का भी पॉलिसी भी तो लेनी है सर, कब लेंगे आप, तो आपकी तो क्वेरीज खत्म हुई। मैंने आपसे 100 क्वेरीज करी तो आपने 100 के 100 बड़ी पोलाइटली और बहुत हैप्पीली आंसर करे, आपने सारे मेल्स को प्रॉपर तरीके से जवाब दिया। तो मैं आपकी कंसिस्टेंसी आपकी जो पेशेंस लेवल को चेक कर रहा था, जब मुझे लगा कि हाँ ये आदमी है जिसके साथ मैं लंबी गेम खेल सकता हूँ तब मैंने आपको पहली पॉलिसी दी, और आपने जो जो 1 लाख रुपए की प्रीमियम लेने के टाइम पे आप उठ गए तो उसने मुझे और स्ट्रोंग कर दिया आपके बारे में। तो मैं कहा सर मुझे तो नहीं पता था ये सब कुछ कि आपने मुझे किस लिए लिया, लेकिन हाँ मेरा मेरा जरूर ये था कि मैं अपनी इस स्टोरी के थ्रू अपने सारे लोगों को ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हमें पेशेंस मेंटेन करनी चाहिए, हमें अपने पेशेंस से काम करना चाहिए। बड़ा जो क्लाइंट है ना पता नहीं कौन सी बात में से कौन सी चीज निकालना चाह रहा है हमारे से, वो हमारे लालच को भी चेक करना चाह रहा होगा, हो सकता है वो हमारे हमारी पेशेंस को भी चेक करना चाह रहा होगा, हो सकता है वो भी हमारी नॉलेज को भी चेक। जब मैंने गैप ईयर्स बना के दिए उसको उनको बड़ा अच्छा लगा यार ये मैंने कहा सर इस साल में आपका मैच्योरिटी आ रही है, जो 38 पॉलिसियां थी तो उसकी मैच्योरिटी आ रही थी ना अलग अलग टाइम पे, तो मैंने बताया कि सर ये वाला ईयर है ना आपका फ्री रहेगा, आपके इस साल में कोई पैसा नहीं आएगा सर, इस साल में तो पैसा अरेंज करना ही करना है हमारे को। तो ये सब चीजें जब डिस्कशन होकर के करा और आज नाउ वी आर इन ए वेरी गुड मतलब हम बहुत अच्छे रिलेशन में हैं अब, और कोई भी किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वन ऑफ द बेस्ट सेल उसको डिफिकल्ट से यदि मैं 5-6 महीने की बात करूं इससे इतनी बड़ी ज्यादा पेशेंस मुझे कहीं रखने की जरूरत नहीं पड़ी सेल को क्लोज करने के लिए,